सब कुछ खुला चल रहा है भाई, खाना पीना सब कुछ मजे चल रहे हैं। अभी मैं मौजूद हूँ अपने हॉस्टल में और यहाँ पर जो है रमजान स्टार्ट हो चुके हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि यूरोप के अंदर रमजान किस तरीके से नजर आते हैं। स्पेशली जो है इस वक्त मैं मौजूद हूँ पोलैंड के शहर वॉर्सा में। हमारे हॉस्टल वगैरह में तो मुस्लिम तो कोई भी नहीं है और रूम के अंदर ही खाना पीना चल रहा था, तो भाई वहाँ पर बैठना तो काफी डिफिकल्ट हो गया था, क्योंकि जब खाना पीना होगा तो फिर उसकी स्मेल भी काफी होगी। तो इसके साथ ही मैं आ गया हूँ आउटसाइड और यहाँ से जो है मुझे अपना रूम भी चेंज करना है हॉस्टल का, और मेरे पास जो है वो बस का कार्ड भी नहीं है, तो अभी मैं जा रहा हूँ बस का कार्ड लेने के लिए, क्योंकि फिर रोजे के अंदर सामान के साथ जाना काफी डिफिकल्ट होता है। तो मैंने सोचा अभी टाइम है तो बेस्ट ये है कि अभी जाके कार्ड पहले लेके आ जाता हूँ, फिर जो है सामान वगैरह पैक करके डायरेक्ट जो है हम बस स्टॉप पे चले जाएंगे। अभी जो है मैं इस मशीन के ऊपर मौजूद था और जो है मैंने यहाँ से सारी ट्रांजेक्शन कर ली थी और कार्ड वगैरह की भी इंफॉर्मेशन दे दी थी, कार्ड वगैरह यहाँ पर एंटर कर दिया था, पिन कोड वगैरह डाल दिया था, मगर एट द एंड अमाउंट कट गया और पैसे कार्ड नहीं आया। काफ़ी देर में यहाँ पर खड़ा रहा तो हेल्पलाइन नंबर वगैरह भी लिखा था उसके ऊपर, ट्राई कर रहा था कॉल करने की, मगर उसके ऊपर जो है वो जाहिर बात है उनकी अपनी लैंग्वेज थी, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। वैसे ऐसा कोड लिखा होता है मशीन के ऊपर, उस कोड को आप बता सकते हैं, मगर प्रॉब्लम ये है कि आप समझाएंगे तो बताएंगे ना। तो फिर एट द एंड काफ़ी देर के बाद यहाँ पर तकरीबन 5-10 मिनट के बाद मेरे पास दोबारा बैंक से मैसेज आया कि वो अमाउंट जो है रिवर्ट हो गया है, मतलब रिटर्न हो गया है। तो मेरी भी जान में जान आई, चलो यार शुक्र है अमाउंट तो रिटर्न हुआ। एक दो लोग और आए थे, उन्होंने आके जो है वो फिर कार्ड प्रिंट करा, तो मैंने देखा कार्ड निकल रहा है, फिर मैंने कहा चलो एक और ट्राई करते हैं, फिर नेक्स्ट मैंने ट्राई करी तो अभी जो है फाइनली हमारा कार्ड आ गया है। तो भाई ऐसा भी कभी कभी हो जाता है अमाउंट कट जाता है, का हल तो वैसे कस्टमर सर्विस है, मगर जाहिर पता है आपकी लैंग्वेज का इशू है तो आप किस तरीके से समझाओगे इनको। खैर एनीवे प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, तो मैंने कहा ये भी एक एक्सपीरियंस है आपके साथ शेयर करूं। अभी हम लोग आ गए हैं बाहर और आउटसाइड ये देखें सब कुछ खुला चल रहा है भाई, खाना पीना सब कुछ मजे चल रहे हैं। कंट्रोल तो आपको करना है क्योंकि इन लोगों का तो कल्चर इनको थोड़ी फील होता है, अभी फील तो हमें हो रहा है क्योंकि फर्स्ट टाइम हमारा एक्सपीरियंस इतनी ज्यादा हमें फील हो रहा है। तो इसके साथ ही अभी हम लोग जा रहे हैं, यहाँ पर जो है एक मस्जिद भी है, तो हमने सोचा क्यों नहीं रमजान है और रमजान में जो है वो मस्जिद का भी विजिट किया जाए, उसके साथ भी एक्सपीरियंस शेयर किया जाए किस तरीके से वहाँ पर जो है पहुँच सकते हैं। तो फाइनली अभी हम लोग पहुँच गए हैं मस्जिद वॉर्सा के अंदर जो मौजूद है। इस स्टॉप पे आने के लिए आपको जो है आप किसी भी एरिया में मौजूद हैं, बस नंबर 131 एंड 180 जो है यहाँ पर जस्ट स्टॉप पे उतारेगी, उसके जस्ट स्टॉप के सामने ही आपको मस्जिद नज़र आ जाएगी। तो अभी हम लोग चलते हैं इनसाइड मस्जिद और जो है थोड़ा सा गो थ्रू करते हैं मस्जिद को। रमज़ान का महीना स्टार्ट हो गया है और यहाँ पर जो इनसाइड मस्जिद आने के बाद जो है लेडीज़ के लिए भी इंतज़ाम है और जेंट्स के लिए भी है। नीचे जो है वजू खाना है और यहाँ पर जो है शूज़ वगैरह रख के आप मस्जिद में एंटर हो सकते हैं। قلب کو اس کی رویت کی ہے آرزو جس کا جلوہ ہے عالم میں گھر چاروں اللہ پاکستان 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 فرائیڈے پلے ہے نا یس شور At 12 o'clock. الجمعة الجاية تبقى الساعة 12. أيوة بكرة. أيوة إن شاء الله. Because maybe next جمعة maybe become 2 o'clock. ها. Because timing summer timing. Summer timing. What? تراوي. تراوي every day. Every. Every day إن شاء الله. No problem because. He just said to get one from the mosque. Ah yeah. Okay. Because I need to permission I get because I have no idea about it. Of course. Yeah, that's right. जस्ट जो है ये बांग्लादेश एम्बेसी है, उसके साथ जो है ये मस्जिद मौजूद है। तो काफ़ी टाइम जो है स्पेंड करने के बाद मस्जिद में हम लोग वापस जा रहे हैं अपने हॉस्टल, क्योंकि रोजे में थकावट थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है, थोड़ा रेस्ट करेंगे फिर उसके बाद जो है वो प्रिपरेशन करनी है इफ्तारी की, देखते हैं कि इफ्तारी में क्या सेटअप बनता है। ये वाइट जैकेट वाला जा रहा है, ये जस्ट जो है मेरे पास आया और उसने मुझे एक ट्रांसलेशन पूछने लगा, पहले पोलिश आती है या इंग्लिश है ना इंग्लिश, तो उसने गूगल के ऊपर ट्रांसलेट करके लिखा हुआ था सॉरी ब्रदर आई लॉस्ट माय क्रेडिट कार्ड और कैश और समथिंग लाइक दैट। तो मैंने कहा भैया मैं तो खुद अभी
अभी अभी पहुँचा हूँ, मेरे पास सामान मौजूद है तो मैं अभी तो कुछ नहीं कर सकता। कहना ओके नो प्रॉब्लम। तो इस चीज़ से भी जो है ना थोड़ा सा मोहताज रहें। अभी मैं एक दूसरे स्टॉप पर पहुँचा तो एक और दूसरी जगह पर आया तो वहाँ पर भी यही घूम रहा है। फर्स्ट रमज़ान इन पोलैंड। तो ये कुछ मैंने फ्रूट वगैरह ले लिए, और ये योगर्ट वगैरह है, ये बिस्किट ले आए, साथ जो है कॉफ़ी और कॉफ़ी या टी वगैरह बना लेंगे तो उसके साथ जो है इस रोज़े को ओपन कर सकते हैं। अभी टाइम जो है 5 मिनट है, दुआ मांगते हैं। ये इफ्तारी की जो है प्रिपरेशन हो गई है, रेडी में फ्रूट थोड़े से ले लिए हैं, एक बिस्किट ले लिया था, साथ जो है हमने योगर्ट लिया हुआ है, पानी है और चाय है। तो अभी हम लोग पहले रमज़ान को जो है व्हाट्सएप में इधर ओपन करने वाले हैं। बनाना खाने के बाद ये होता है कि फौरन आपको जो है ना फील होता है, एनर्जी आ जाती है। तो ये भाई हम लोग के रूम में गए, मेन एंट्रेंस है, एंट्रेंस के साथ जैसे एंटर होते हैं यहाँ जो है वो सोफ़ा है, 2 बेड इधर हैं, 2 सामने, 2 इधर हैं, 6 बेड हैं और एक बहुत अच्छी बालकोनी है। और नेक्स्ट जो है ये लॉकर है। इस हॉस्टल का पर नाइट का जो है 50 ज़लोटी है।